सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र, स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अफगानी घर के ही सामान से बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। पनीर अफगानी के लिए यहाँ पे 3 स्टेप की तैयारी की जाती है जो बहुत आसान है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया, इसको इस तरह से कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून लेंगे हम सॉल्ट पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम नमक, सेंधा नमक मैंने लिया है, और 1/4 टीस्पून जितना हम डालेंगे हरी मिर्च की मैंने पेस्ट ली है, हरी मिर्च को मैंने पीस लिया था। इसे इस तरह से मिक्स करके हमें 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। चलिए अब हम दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना लिया हुआ है दही, उसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के इसे भी मिक्स करके रख देंगे। है ना, बहुत ही आसान तरीके से तीनों तैयारी करने के बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। चलिए कढ़ाई में अब हम तीसरी तैयारी करेंगे। 2 चम्मच जितना ले लेंगे ऑयल, 1/4 टीस्पून जितना डाल देंगे अक्खा जीरा जिसको थोड़ा फ्राई होने के बाद 1 इलायची को खोल देना है और डालना है, और तेजपत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च। सभी चीज़ों को इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 तीखी मिर्च मैंने काट ली है, उसको डाल देना है। और यहाँ पे 1/4 कप जितनी ली हुई लौकी और 1/4 कप जितना कैप्सिकम लेके हमें इसमें डाल देना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक डाल देंगे। ध्यान रहे नमक हमने सभी चीज़ों में डाला है तो थोड़ा थोड़ा ही डालते जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो जाए। तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे जब तक हमारी सब्ज़ी बॉईल होती है ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद हमारा जो पनीर है उसके 15 मिनट हो चुके हैं, तो 1-1 क्यूब्स इस तरह से हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। पनीर को हमें इस तरह से पलटा के सभी बाजू से फ्राई कर लेना है अच्छे से। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी लौकी भी बॉईल हो चुकी है बराबर, तो चलिए उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। पनीर को साइड पे हम रख देते हैं यहाँ पे। आइए देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये बॉईल हो चुका है। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। बहुत आसान तरीका है ये सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने का। सिर्फ हमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है कि दही किस वक्त डालना है, कैसा डालना है, किस तरह से डालना चाहिए। मैंने ड्राई चिली को और तेज पत्ते को रख के बाकी सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ले लिया है। आधा कप लिया हुआ यहाँ पे मैंने हरा धनिया जिसकी पेस्ट बना ली है। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल और इसके अंदर फिर से हम 1 इलायची को उसी तरह से खोल के डालेंगे जो हमने पहले डाली थी। इस तरह से खोल के डालने से सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो उसी तरह से डालें। अब हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार की है उसको डालेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हम पानी। पेस्ट और दही की मात्रा 1 जैसी होनी चाहिए, इससे उसका स्वाद का बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे हमारा आधा कप दही है, तो आधा कप के सामने आधा कप जितनी हमारी ये ग्रेवी है। देखिए ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे और इसके बाद ये ध्यान रखना है ये बॉईल हो चुकी है, इसमें हमें डायरेक्ट दही को नहीं डालना है। इस तरह से अगर डायरेक्ट डालेंगे तो दही हमारा फट जाएगा। पहले हम गैस को बंद कर देंगे और जो पनीर हमने जो बॉल के अंदर तैयार किया था उसमें थोड़ा सा मसाला बचा है तो उसी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ग्रेवी के अंदर ले लेंगे ताकि ग्रेवी भी हमारी ठंडी हो जाएगी और मसाला भी इसके अंदर आ जाएगा। देखिए ग्रेवी अब काफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर जो हमने दही तैयार किया है उसको ले लेंगे। दही डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, बहुत ही आसान और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये जैन पनीर अफगानी हमारा बनके तैयार होगा। देखिए धीरे धीरे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होती जा रही है। इस स्टेज पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रेवी काफ़ी पतली है तो आप दूध की मलाई या फिर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून जितना हम डालेंगे सौंठ पाउडर, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये जैसे ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाए पनीर इसके अंदर डाल के भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करना है तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको किस तरह से सर्व करना है।
तो आइए अब हम हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए प्लेटिंग करते हैं। पहले हम प्लेट के अंदर ग्रेवी ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से पनीर के पीसेस रख के थोड़ी सी ऊपर से डाल दीजिए मलाई, फ्रेश क्रीम डाल दीजिए या मलाई डाल दीजिए। देखिए हमारा पनीर अफगानी बनके तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से बना है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।